माननीय श्री एल के अडवाणी जी के से अनुरोध करती हूँ कि वे इस शुभ अवसर पर दो महुमूल्य शब्द कहें और हम सबको कृतार्थ करें। श्री एल के अडवाणी जी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 19वीं शताब्दी के 7वीं दशक में हुआ था और कैसा संयोग है कि उसी 7वें दशक में जहां भारत के 7 महापुरुषों का जन्म भी उसी दशक में हुआ है और वो 7 जो महापुरुष हैं उनका मैं नाम अगर गिनाऊं तो उनमें रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनमें मैडम कामा हैं जिन्होंने हमारा तिरंगा बनवाया, उनमें महात्मा गांधी हैं और हर एक वर्ष का वर्णन मैं देखता रहा तो स्वामी जी का जन्म तो इस दशक के मध्य में हुआ था, 63 में हुआ था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर, मैडम कामा, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले और मैंने महात्मा गांधी और स्वामी जी का नाम तो पहले ही लिया। ऐसे 7 महापुरुष, 7 महान देशभक्त, उनका जन्म इसी दशक में हुआ और इसीलिए 2013 का महत्व बन गया। 2013 में जब देश सारा स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर वह 150th एनिवर्सरी मना रहा है तो मैं बधाई दूंगा रामकृष्ण मिशन मुंबई को कि जिन्होंने यह देख करके और यह सोच करके कि यह मई का 31 तारीख वह तारीख है जिस दिन 1893 में स्वामी जी मुंबई से स्टीमर से शिकागो के लिए प्रस्थान किया और यह आज जो कम्मेमोरेशन कार्यक्रम है जिस पर हम सब उपस्थित हैं, अपने को धन्य मान रहे हैं और जिसकी शोभा महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वयं बढ़ा करके और एक प्रकार से रामकृष्ण मिशन मुंबई के इस महत्वपूर्ण शोध और महत्वपूर्ण निर्णय को एक प्रकार से 4 चांद लगा दिए हैं, मैं अपने को धन्य मानता हूं कि मुझे भी इस अवसर पर इस समारोह में बुलाया गया। ये सही है जैसा कहा गया कि मेरा रामकृष्ण मिशन से संबंध जब स्वामी रंगनाथ नंदा स्वर्गवास जिनका हो गया कुछ वर्ष पहले, वे कराची रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे और मैं तब कराची में ही था। 47 से पहले शासन अंग्रेज़ों का था, भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, गांधी जी के नेतृत्व में और कई लोग संघर्ष में लगे हुए थे, कई क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे लगे हुए थे, कई प्रकार से लोग स्वातंत्र के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय रामकृष्ण मिशन से जो संपर्क आया और स्वामी रंगनाथ नंदा के हर रविवार को होने वाले गीता लेक्चर्स में जाने का मुझे सौभाग्य मिला, तब से लेकर के जो संबंध रामकृष्ण मिशन से रहा और स्वामी रंगनाथ नंदा से स्वयं व्यक्तिगत रूप से संबंध, वो दिल्ली के अध्यक्ष रहे तब भी बना रहा, फिर उसके बाद हैदराबाद के अध्यक्ष बने तब भी बना रहा और सारे देश के रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बन करके जब वेलूर मठ में गए और जब उनकी आयु 95 वर्ष की हो गई थी तब मैंने उनकी अंतिम बार दर्शन किए वेलूर मठ में जा करके, और तब से लेकर के रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मन में जो स्थान रहा है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। उनके उनकी उनसे प्रेरणा प्राप्त करके
और जब इस कार्यक्रम का पता लगा और स्वामी सर्वलोकानंद जी दिल्ली आए थे, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि मेरा तो परम सौभाग्य होगा इस प्रकार के कार्यक्रम में आने में, और आज आपके साथ साथ यहाँ पर स्वामी जी को स्मरण करने के लिए मैं सम्मिलित हुआ हूँ। मैं एक ही बात कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा। उन्होंने जो शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में छाप छोड़ी, उसका वर्णन तो बहुत लोगों ने किया है। कभी कोई भूल नहीं सकता कि स्वामी जी का जो सारगर्भित प्रवचन था वहाँ पर हिंदुइज्म के बारे में, वेदांत के बारे में, उसकी तो प्रशंसा हुई, लेकिन आश्चर्य हुआ लोगों को केवल मात्र स्वामी जी के संबोधन शब्दों से। संबोधन करते हुए उन्होंने जब जो साधारण संबोधन होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, उसका उपयोग न करके उन्होंने अपने भाषण का आरंभ किया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो इस एक संबोधन से शिकागो का वो ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उनके लिए ये एक अनोखे प्रकार का संबोधन था, नए प्रकार का, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और जो उन्होंने व्याख्यान किया उसकी तो छाप छोड़ी ही, और उसकी छाप अमेरिका में भी छोड़ी, फिर यूरोप में गए तो वहाँ भी छोड़ी, लेकिन मैं मानता हूँ कि स्वामी जी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के जो पहले प्रचार किया था, वो प्रचार उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ गया शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के कारण, और बढ़ गया इतना कि जब वो एक यात्रा करके यूरोप और अमेरिका की वापस भारत लौटे थे, और उन दिनों में हवाई जहाज़ नहीं थे, हवाई जहाज़ों का निर्माण तो 20वीं शताब्दी में हुआ, 19वीं शताब्दी में जो भी कभी कोई विदेश जाता था तो स्टीमर से ही जाता था, तो स्टीमर से वो लौट करके और मद्रास आए, चेन्नई नाम नहीं पड़ा था तब तक, उस मद्रास में उनके सत्कार के लिए, उनके स्वागत के लिए इसी प्रकार के एक ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, खचाखच भरा हुआ वो ऑडिटोरियम। उस ऑडिटोरियम में उन्होंने वेदांत समझाया, उन्होंने हिंदुइज्म की भी व्याख्या की, लेकिन उस दिन के उनके भाषण का मुख्य अंश ये था कि आप जितने लोग आए हैं यहाँ पर, वे किसी न किसी देवी की पूजा करते होंगे, अर्चना करते होंगे, आराधना करते होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आने वाले 50 साल के लिए इस देवी को सोने दे, जिस भी देवी की आप पूजा करते हैं उसको सोने दे, और एक ही देवी को जागृत रखे, और वह देवी है भारत माता। यह उनका व्याख्यान चेन्नई का, मद्रास का 1897 का है, और 1897 का मैं उल्लेख इसलिए करता हूँ कि उनके भाषण में बल जो इस बात पर था कि आने वाले 50 वर्ष के लिए इस देवी को सोने दे, तो 97 में आप 50 वर्ष जोड़िए तो कहाँ पहुँचते हैं, 47 पहुँचते हैं, 1947 पहुँचते हैं। तो एक प्रकार से एक दृष्टि थी, एक विजन था, जिस विजन को एक प्रकार से उन्होंने शब्दों में कह दिया, तो सहज रूप से कह दिया आने वाले 50 वर्षों के लिए। मैं मानता हूँ कि जैसे पूर्व काल में आदि शंकर थे, जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में पूरे देश का भ्रमण किया पैदल, पूरे देश का, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, जिस देश को अंग्रेजों ने भी कभी माना नहीं कि यह देश एक है, यह राष्ट्र एक है, वो हमेशा कहते थे दिस इज नॉट वन कंट्री, इट्स अ सब कॉन्टिनेंट, और राष्ट्र को तो स्वीकार करने का सवाल ही नहीं, वो यही कहते थे नेशन इन द मेकिंग। उसको आदि शंकर के समय में भी उनको लगा कि मैं जिस तत्व ज्ञान का प्रचार करता हूँ, प्रसार करता हूँ, उसको मैं जब तक हिंदुस्तान के सब भागों में जाकर के
पहुंचाऊं नहीं तब तक मैंने अपने देश के प्रति अपने समाज के प्रति न्याय नहीं किया। इसीलिए चारों कोनों में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मठों की स्थापना करना, चारों यहाँ तक के जम्मू कश्मीर तक जाना, और वो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जहाँ पर वो गए थे और जहाँ पर आदि शंकर ने जाकर के स्थान स्पर्श किया था वो आज ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहाँ पर है। और कल्पना करते हैं कि किसी समय वो भी हमारे पास आ जाएगा, लेकिन आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार से आदि शंकर ने 32 सालों की अवस्था में ये सब किया, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने देश की एकता को ही प्रस्थापित नहीं किया तो भारत के तत्व ज्ञान की श्रेष्ठता को भी केवल भारत में ही नहीं विश्व भर में प्रस्थापित किया। और विश्व भर में प्रस्थापित करने के बाद उन्होंने उनके एक लेख मैंने पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि आई विल नॉट सी द एज ऑफ 40 ईयर्स, लेखा उन्होंने लिखा है। और उनका देहांत स्वर्गवास जो है 29 वर्ष की आयु में हो गया, 39 वर्ष की आयु में। ही वॉज बॉर्न इन 1863 एंड ही पास्ड अवे 1902 एंड 39 ईयर्स की एज में उन्होंने ये सारा कुछ किया। और अद्भुत माने आदि शंकर का जैसे अद्भुत है वैसे इनका भी अद्भुत है। और ये सब कुछ करने के बाद भी उनके मन की एक इच्छा बनी रही, उन्होंने कहा कि मैंने भारत के तत्व ज्ञान के बारे में विश्व भर में इज्जत पैदा की है, लेकिन मुझे संतोष तब तक नहीं होगा जब तक भारत में ऐसी कोई मैन मेकिंग मशीनरी न बने कि जो मैन मेकिंग मशीनरी क्रिएट्स मैन विथ अ कैपिटल एम, जो मनुष्य ऐसे निर्माण करें जो साधारण मनुष्य न हो, महामनुष्य हो, महामानव हो, ऐसे बने, चरित्रवान हो, अनुशासित हो, समर्पित हो, और ऐसे लोगों का निर्माण होगा तो ही यह देश अपने तत्व ज्ञान के अनुरूप यह देश भी महान बनेगा। मुझे लगता है कि स्वामी जी की यह इच्छा जो है उसको हम अपने अपने जीवन में जितना साकार कर सके वह स्वामी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर से सर्वलोकानंद जी को, स्वामी जी को, यहाँ पर बैठे हुए मठ बेलूर मठ से आए हुए स्वामी जी को, उनको प्रणाम करते हुए आपको बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। Now request the Honorable Governor of Maharashtra, Shri K. Shankar Narayanan ji, to kindly release two extremely timely books from the Observer Research Foundation, Mumbai. The first book, Swami Vivekananda in Mumbai and Maharashtra, and the second, A Monk from Bombay, Swami Vivekananda's Historic Voyage from Mumbai to Chicago. Both these books have been Both these books have been written by two erudite members of the Observer Research Foundation, Mumbai, its chairman, Shri Sudhindra Kulkarni ji, and senior research fellow and editor, Srimati Radha Vishwanathan ji. I request the authors to kindly come forward and meet the President of India, Shri Pranab Mukherjee ji. Thank you, respected Governor, sir, for doing the honors and releasing these two valuable records of the all-time great Swami Vivekananda's meteoric and momentous life. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ramakrishna Mission and the Ramakrishna Mathkar, Mumbai, I now request
our exemplary 13th President of the Republic of India, Shri Pranab Mukherjee, who has served our country with total dedication in different capacities, won the Best Administrator of India Award to address this gathering on this very special day. Devi aur Sajjano, swagat karein Bharatvarsh ke Shraddheya Rashtrapati, Shri Pranab. Shri K. Shankar Narayan, Honorable Governor, Maharashtra, Shri L. K. Advani, Senior Leader of the country, Dr. Manohar Joshi, former Chief Minister and Speaker of Lok Sabha, Suresh Shetty, Minister of the State Government of Maharashtra, Sunil Prabhu, Mayor of Mumbai, Swami Sarvalokanandaji, Secretary Ramakrishna Mission, Swami Subhidanandaji, Assistant Secretary Ramakrishna Mission, Sri Sudhendra Kulkarni, Chief Coordinator and Commemorative Function and Chairman Observer Foundation, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be here this afternoon. Some journeys in the lives of the great men are destined to be transformational, both for themselves and for their people. So was it with Swami Vivekananda's voyage to Chicago 120 years ago today. As it turned out, Swamiji's Chicago speeches are amongst the greatest proclamations of interfaith harmony, universal brotherhood in the history of mankind. Their relevance has increased manifold today in a world that is far more interconnected and interdependent. Harmonious coexistence among the various faiths and communities is not an ideal anymore, but an absolute imperative today. In his first speech in Chicago on 11th September 1893, Swamiji had a very significant message which humanity can ignore only at its peril. I would like to refer to the following words from his speech. I quote, "Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now." Ladies and gentlemen, in those days, the Western world's understanding of India was colored by misconceptions about this distant country and its people. It was therefore a turning point indeed when Swami Vivekananda's powerful thoughts and the purity of his personality won the minds and hearts of a large section of the influential thinkers that he came across. Swamiji unhesitantly appreciated the positive aspects and accomplishments of the Western societies and refrained from being dogmatic as he made his point. He was able to build a robust new bridge of understanding and goodwill for India. In so doing, he also opened a new dialogue between our people based on mutual acceptance. Rumarola, in his book, The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, has written, I quote, "In two words, equilibrium and synthesis, Vivekananda's constructive genius
may be summed up. He was the personification of the harmony of all human energy." Unquote. As we pay tribute to Swami Vivekananda today, his vision and indeed his own example should remind us today of the things that we need to do urgently and in a sustained manner, both individually as well as collectively as citizens of modern India. What are the priorities that we could take up? Firstly, the social reform continued a key component of Swami Vivekananda's vision for modern India. Swamiji was uncompromisingly opposed to discriminatory deprivation and injustice on the ground of caste, class, and gender. According to him, the mismatch between the lofty ideals of Vedanta and the disgraceful apathy for the human condition in our society were simply unacceptable. Maharashtra has borne some of our nation's greatest social reformers. I would like to affirm today that although the paths of these leaders of our society may have appeared to be outwardly divergent, their goals were essentially the same. Swamiji's 150th birth anniversary celebrations should be an occasion for a constructive debate and cooperative action amongst the various sections striving for social reforms. Secondly, as the Swamiji believed, it is today an urgent imperative to both improve and also expand our educational system. I am confident that many of our grand universities can reinvent themselves and regain their past glory. They urgently need to update themselves and make their curriculum and methods more relevant and result-oriented. This can be achieved through a comprehensive and time-bound plan of reform. Further, government's efforts must be supplemented by the commitment of more resources by the corporate sector to development and social welfare activities. However, I do believe that our foremost goal should be to the revival of our proud traditions in morality, ethics, and social conduct. Our nation's progress should not be hampered by the tarnishing of our national character or a weakening of the moral fiber of our societies. We seem to be losing our sense of right and wrong and good and bad as we pursue our respective short-term objectives. As a result, not only is the greater public good being sacrificed, but even the private search for success and happiness is yielding short-lived, illusory, and often counterproductive outcomes. Therefore, to remember Swami Vivekananda is to remember his call for rebuilding India's national character. In particular, to remember the epoch-making voyage today is to remember his call to the youth of India to be daring, courageous, adventurous, and strong, and above all, unshakably strong in their morals and ethics. I firmly believe that the people of India must show the way to the world by adhering to his message of Swami Vivekananda. We have long symbolized communal peace and harmony based on tolerance and respect for all faiths. We must continue to live up to these and set an example. Ladies and gentlemen, with these words, I sincerely thank Ramakrishna Mission, Mumbai, for organizing this commemoration and the Observer Research Foundation, Mumbai, for bringing out two very relevant publications on this occasion. May we all be inspired by Swamiji's thoughts and words and earnestly strive to practice his ideals in our day-to-day life.
Thank you, ladies and gentlemen, for the patience. Thank you, respected President, sir. Thank you, change makers on stage, and thank you, all of you, for being here today. And now, please rise for the national anthem. After the anthem, please wait till the dignitaries have left the auditorium, and do collect your prasad from the RK Mission on your way out. Thank you very much.